आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में मसाला डोसे का। मसाला कैसे बनाते हैं तो चलिए आप लोग हम बताते हैं कि मसाला डोसे का मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और बढ़िया टेस्टी कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने इसमें तेल लिया है, ऑयल लिया है। ऑयल जो लिया है इसमें हमने करीब लिया 40 ग्राम। राई डाली हमने 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता और रेड चिल्ली होल, ये देखिए मस्टर्ड सीड डाला था मैंने। और इसमें चना दाल, रोस्टेड चना दाल है ये, और काजू थोड़े से जो कि अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाले हमने इसमें करीब करीब 20 20 ग्राम डाल, 20 ग्राम चना दाल, 15 20 ग्राम काजू। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमने प्याज, प्याज ली हमने 300 ग्राम। और इस मसाले को आप बनाकर 3 4 दिन फ्रिज में रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको बना भी सकते हैं, 3 4 दिन के लिए बना के रख लें तो आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। और इसमें हमने डाली ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डाली इसमें हमने 3 4 कटी हुई ग्रीन चिल्ली, ये देखिए। और ये जो मसाले डोसे का मसाला है इसमें अगर आपको बताऊंगा, और ये हमने डाली इसमें कैप्सिकम, ये कैप्सिकम लिया हमने करीब करीब 40 ग्राम के आसपास है, साफ करने के बाद में, ये देखिए। और टमाटर डाले, जैसे हमारी प्याज है वो हो गई, सिक गई है इस तरीके से, तो हमने इसमें टमाटर डाल दिया। और अगर आपको स्टोर करना है, इसको ज़्यादा दिन रखना है, तो इसमें टमाटर ना डालें। और आपको अगर तुरंत बना के तुरंत खाना है तो टमाटर डालें, और आप चाहते हैं कि 3 4 दिन मसाले को रखना है तो इसमें टमाटर ना डालें। तो आप 3 4 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। और ये हमने डाला इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है हमेशा, ये देखिए। हल्दी डाली, हल्दी डाली 1/4 टीस्पून, और इसको चला लेंगे थोड़ी देर, अच्छे से पका लेते हैं, ये देखिए। और प्याज को जब भी हम देखिए प्याज डालेंगे, जूलियन प्याज लेना है मसाले के लिए। और इसको मसाला ऐसे ही मसाला रखना है इसमें, ये देखिए। और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इस मसाले को आप स्टोर कर सकते हैं 3 4 दिन तक फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा। लेकिन टमाटर नहीं डालना है इसमें, डालेंगे हम शक्कर। ये शक्कर डाली हमने, शक्कर डाली 1 टीस्पून, और ये देखिए इस तरह इसको अच्छे पका लेंगे। ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे आलू, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आलू नहीं मिक्स करना है। आलू निकाल लें कि आपको जितना मसाला चाहिए उतना मसाले में आलू मिलाएं, बाकी मसाला निकाल के आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं मसाला डोसा का मसाला, ये देखिए। और इसको जब भी ज़रूरत हो तो आप उसमें आलू मिलाएं और खाएं, ये देखिए। इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे, हमारा मसाले डोसे का मसाला ये रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग मसाले डोसे का मसाला बना सकते हैं, और इसको आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, ये देखिए। और ये रेडी हो गया है, अब बस थोड़ी सी इसमें हम धनिया डाल देंगे, और ये हमारा मसाला लगभग रेडी है, ये देखिए। धनिया डाली और ये हमारा मसाला रेडी। तो इस तरीके से मसाले डोसे का मसाला आप रेडी कर सकते हैं। और आपको बताया कि आपको कैसे स्टोर करना है तो आप वैसे स्टोर कर सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आप रेडी कर लें। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। आप लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, आलू ग्रेवी, चौ मसाला पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जाकर चेक कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग मसाले डोसे का मसाला बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है।